गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे थे, घर पे थे और मतलब डेली रूटीन जैसा रहता है वैसा ही चल रहा था, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था। तो अब फाइनली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सा चेंज आने वाला है और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे। तो आपको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ इस जर्नी पे और आप लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे एंड अब हम कहीं और मूव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। तो हमारा सामान सारा पैक हो चुका है, हम पिछले एक हफ्ते से पैकिंग कर रहे थे और आज हमारा मतलब मेरे ससुराल में यहाँ इन लॉज के यहाँ लास्ट डे है। आज हम यहाँ से निकलेंगे एंड देन कल आज हम मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ रुकेंगे एंड देन कल हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। वहाँ लखनऊ 2 दिन रुक के और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपनी नई सफ़र की तरफ। और मैं और रजनीश दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, बट फाइनली अब हम दोबारा मूव कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारा नया घर कैसा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए बने रहें हमारे व्लॉग में। सो हम लोग आ चुके हैं मेरी ससुर इन लॉ के यहाँ और अभी हम बस डिनर वगैरह करके, हमें थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, तो अभी हम डिनर वगैरह करके अभी सोएंगे, फिर हम सुबह लखनऊ के लिए निकलेंगे। शाली आप क्या कर रही हो? होली खेलने जा रही हो क्या? आओ अच्छा लगाओ, आओ आओ। और क्योंकि हम लोग होली पे यहाँ पे नहीं रहेंगे तो शाली हम लोग के साथ होली खेलने वाली है और सब अभी हम लोग को कूदने वाले हैं बहुत भयंकर। ओहो हैप्पी होली, लगा दे तुमको। हाय हाय लग गया था, लग गया लग गया लगा मालूम होली है। अब सही है, क्यों ही रहा, भाभी को लगा, भाभी को लगा। और गाइस इन लोग की होली चल रही है, हैप्पी होली। अब भाभी मेरी बात आने वाली है यहाँ पे, हम लोग होली खेल रहे हैं यहाँ पे, हो रहे हैं 12 बज रहे हैं रात में, खेल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत दिनों बाद ये लोग आएंगे वापस, हम लोग होली खेल रहे हैं। भयंकर पोत दिया इन लोगों ने मुझे, मुझे इमिग्रेशन में बाहर ना कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हम लोग निकल रहे हैं रूही के यहाँ से। रूही के अभी भी रंग लगा हुआ है, भाभी का छूट गया, मेरा छूट गया। क्या क्या नहीं लगाया इन लोगों ने, पैर रंगने वाले रंग मेरे मुंह पे लगाए कल, तब भी छूट गया इस लड़की ने, इसने इसने। और आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हम जा रहे हैं लखनऊ। तो काफी मजा आया यहाँ पे भी, होली भी खेल ली और काफी मिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हम मिस करेंगे। हाँ अब आएंगे तो खूब सारी ट्रिप्स मारेंगे, ठीक है। सो गाइज मैं लखनऊ आ चुकी हूँ और लखनऊ में मुझे अपने बाल स्ट्रेट कराने थे, तो अभी ये 2 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। लखनऊ आए और कबाब नहीं खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कबाब मिस करने वाली हूँ। तो मैंने अभी भाई को भेज के काकोरी कबाब ऑर्डर करे हैं। हाय गाइस, तो आज हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ से न्यू दिल्ली की तरफ और अभी हम ट्रेन में हैं शताब्दी, एंड हमें रात में 10:30 बजे पहुँचा देगी न्यू दिल्ली। देन हम लोग 2 दिन अपने फ्रेंड्स के यहाँ स्टे करेंगे। अब घर से निकल चुकी हूँ, बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मम्मी पापा को बाय करके, एंड अभी कुछ इतना जल्दी आने का कोई प्लान भी नहीं है। तो क्या कर रहे हो रजनीश? वापस आने की टिकट देख रहा हूँ। वापस आने की? कब वापस आ रहे हो? अभी तो ट्रेन चली, चलना शुरू हुई और तो वापस आने की टिकट देखने लगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं 23 की मार्केट। क्या करने? मोमोज खाएंगे और क्या खाएंगे? चाप वाप खाएंगे, शवरमा, और आपके शवरमा खाने का मन लास्ट। So guys, बहुत मजा आई। क्या क्या खाया? चाप खाया, मोमो खाया, शवरमा नहीं मिला, जीरा
लाहौरी जीरा अमन का फेवरेट, और बाकी चीज बता नहीं पानी पूरी, और पानी पूरी जो कि बहुत मिस करने वाली हूँ वहाँ पे। और हाँ, हमें शारमा खाना था बट शारमा मिला नहीं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट, बट बाकी सब बहुत मस्त था, मज़ा आ गया खाने में। और अब हम जा रहे हैं घर, आज ही हमारी फ्लाइट है सुबह 7 बजे की। ये भी छोड़ ले जाएगी, ये पीछे नहीं हटती किसी चीज़ में। कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए गाइस। और 3 बज चुका है, बस अब हम निकल रहे हैं। सब ले लिया इधर? ऑल सेट, लेट्स गो। नींद पूरी हुई? नींद ना, सोया नहीं। अमन तो 12 बजे तक रील देख रहा था। मैं भी नहीं, मैं तो सोया ही नहीं था। मैं तो सो गई थी मस्त। बाय गाइस। बाय गाइस। जाओ आओ, एंजॉय करके। या भीगी पलके विदाई हो रही है ऑस्ट्रेलिया वाली के बाद। चलो बाय, चलो बॉय। बाय बॉय। अच्छे से रहना, लंडा लंडा नहीं। ठीक है पापा, हाथ बार बंद निकाल रहा। क्या खिड़की से हाथ बार बंद निकाल? ठीक ठीक ठीक। गाइस हमारा चेक इन, इमिग्रेशन और हमें बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। और चेक इन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने हमारे केबिन बैगेज वेट भी नहीं करे। सो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैन गेट एन आइडिया ये कौन सी फ्लाइट है और ये किस कंट्री को जाती है? यू कैन हैव अ गेस। सो वी आर फाइनली बोर्डेड और अभी हमें अपनी सीट्स मिल गई हैं, एंड काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, मतलब काफ़ी अच्छी फ्लाइट लग रही है। आप देखते हैं कि सर्विसेज कैसी है और मज़ा आ रहा है बहुत अभी। मैं तो ऑफ लग रहा हेलसिंकी एयरपोर्ट। और मैं लोकेशन रिवील करती हूँ,
और अभी हम हेलसिंकी पे उतरे हैं एंड देन विल टेक अनदर फ्लाइट और जो कि और ये है हेलसिंकी एयरपोर्ट. हमको भूख लगी है? Yes. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी है. हेलसिंकी में अभी टेम्परेचर हो रहा है -5 degrees. अब हम बोर्ड करेंगे हेलसिंकी टू गोथेनबर्ग वाली फ्लाइट. डोमेस्टिक फ्लाइट है ये, में फिनेरी है. हम डोमेस्टिक फ्लाइट पे बोर्ड कर चुके हैं एंड इनकी फ्लाइट इतनी छोटी है कि हमारे जो केबिन ट्रॉलीज हैं वो नॉर्मली ऊपर फिट भी नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें उनको नीचे ऐसे रखना पड़ा है, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. एक हमने सीट के नीचे बैग डाला और एक हमने ऐसे रख रखा है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ट्रॉलीज ऊपर जा ही नहीं रही. यूजुअली हम यही ट्रॉली केबिन में लेकर जाते हैं हमेशा, और हमने कभी ये चीज़ फेस नहीं करी है. बट बहुत लंबी फ्लाइट नहीं है, इट्स जस्ट 2 hours, तो हम ऐसे ही बैठेंगे एंड आगे चलते हैं. फाइनली एयर होस्टेस ने हमारी ट्रॉली को रख दिया. एक ट्रॉली तो एडजस्ट हो गई, एक अभी भी हमने सीट के नीचे रखी है, विच इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि अब हम आराम से बैठ सकते हैं. और रजनीश मज़ा आ रही है? ठंड लग रही है? बहुत ठंड है. लिटरली हम बस से बाहर निकले और मैं बस से बाहर निकल के और बारिश के साथ थोड़ा थोड़ा स्नो गिर रहा था. स्नो फॉल नहीं कहेंगे बट हाँ थोड़े थोड़े फ्लेक्स टाइप के थे. और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा अगर मैं यहाँ पे स्नो फॉल देखूँगी एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी. अब चलते हैं, ये फ्लाइट 2 घंटे की है, उसके बाद देखते हैं कि हम घर जाने में कितना टाइम लगता है. सो हमारी टैक्सी आ चुकी है. हमने बोल्ट ऐप के थ्रू टैक्सी करी है, विच इज़ अ बिट चीपर दैन ऊबर, और आप प्राइवेट टैक्सीज भी ले सकते हो एयरपोर्ट से निकल के, बट सबसे अच्छी डील आपको बोल्ट पे ही मिल जाएगी. और फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया. तो हमारी टैक्सी आ चुकी है, बस हम सामान रख के फिर घर की तरफ निकल रहे हैं. गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं वहां से टैक्सी लेने के बाद, और अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ. ये मेरी सिस्टर का घर है एंड हम यहाँ पे थोड़े दिन रुक के फिर जो हमने घर लिया है हम वो दिखाएंगे आपको. तो मैं दिखाती हूँ एक मिनट. डाइनिंग लिविंग और उसके सामने किचन है. किचन रिलाइज्ड हीटिंग कूलिंग सिस्टम भी है. और बस अब आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप आपको हमारी लखनऊ से स्वीडन तक की जर्नी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आंसर करने की कोशिश करूँगी.
एंड मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ स्वीडन के, कि हम पहले मतलब आने के बाद हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी और हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, तो हो सकता है हम आपसे शेयर कर पाएँ। तो अगर आपको वो सब जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।